नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब ठीक ही होंगे। कोरोना से जरा बच के रहिए, मास्क पहनिए और हैंड में हैंड सैनिटाइजर यूज जरूर कीजिए, हाथ धोते रहिए। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपसे कहूँगा कि ये मुंबई शहर एक सपनों का शहर है। सपनों का शहर है, हजारों के सपने बनते हैं, हजारों के सपने टूटते हैं, हजारों के सपने रंग लाते हैं। तो दोस्तों, आप किन हजारों में हैं वो भी देखिए, और आप तो कोशिश करोगे कि अपने सपने बुने जाएंगे, आपके सपने बनेंगे और सपनों को साकार भी करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई शहर सपनों का शहर। दोस्तों, आप लोग कहते होंगे कि मुंबई शहर सपनों का शहर है, और शहर में हजारों के सपने होते हैं, हजारों के सपने बनते हैं, हजारों के सपने रंग लाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग किन में हो? किन हजारों के सपने जिनके बुनते हैं, या हजारों के सपने बनते हैं, या तो हजारों के सपने जो रंग लाते हैं? मैं तो कहता हूं कि आप हजारों के सपने जो रंग लाते हैं उन्हीं में होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि बाहर से आते हैं मुंबई की चकाचौंध से ऐसे डर जाते हैं, या तो फिर अचंभित हो जाते हैं कि क्या बात है, मुंबई में जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए मेहनत तो लगती ही है, और ये यहाँ पे जहाँ वहाँ पे ज्यादा मेहनत लगती है जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन ज्यादा ही है, क्योंकि मुंबई एक कैपिटल माना गया है फिल्म के लिए भी, एक्टिंग के लिए भी, सीरियलों के लिए भी, वेब सीरीज के लिए भी। और यहाँ पे हजारों में एक सीरियलें बनती है, वेब सीरीजें बनती है, कितनों के ख्वाब बनते हैं, बहुत से लोग रात रात में हीरो बन जाते और वो ऊंचाइयां छू लेते जिनकी उन्हें सपनों में भी ख्याल नहीं था कि ये मैं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसा ही शहर है मुंबई। तो दोस्तों, मुंबई में आप अपर आओ तो सब कुछ तैयारी करके आइएगा। बहुत सी तैयारी ये करनी चाहिए, जैसे कि आपको जो परीक्षा देनी है उसकी तो तैयारी करनी पड़ेगी। परीक्षा ये है, आपको एक्टिंग की परीक्षा देनी पड़ेगी, ऑडिशंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये शहर तो है, ऐसे आपको घुमा देगा, आप घूमते रह जाओगे। एक बार जिसने यहाँ पे पाँव रखा, जाने का नाम नहीं लेगा। अगर गया भी तो तुरंत लौट के वापस आ जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि यही शहर है जो मुझे मेरे सपने साकार करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, तैयार होके आना चाहिए, और एक्टिंग के लिए भी आपको बहुत से काम करने पड़ेंगे, जैसे कि बहुत से क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। कैमरा की एक्टिंग कैसे करनी है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका आगे का रास्ता सरल हो जाएगा, क्योंकि जो जरूरत है वो तो है, वो तो आपको पूरी करनी ही है। तो दोस्तों, असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये इसलिए बताऊंगा क्योंकि बहुत से लोग जो आते हैं जिनके पास ठीक है थोड़े से पैसे कुछ लेके आते हैं, लेकिन धीरे धीरे पैसे वो भी खत्म हो जाते हैं भाड़े में, या तो फिर ट्रैवलिंग में, ऑडिशंस में जाने के लिए, खाने पीने में सब कम हो जाते हैं या खलास हो जाते। तो दोस्तों, वो लोग असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर का काम क्या होता है? असिस्टेंट डायरेक्टर का काम, बहुत से असिस्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ असिस्टेंट होते हैं, बड़ी कंपनी होती है तो चार असिस्टेंट भी रखते हैं। तो पहला असिस्टेंट जो होता है उसका काम होता है आर्टिस्टों को मैनेज करना। मैनेज करना यानी क्या है, उनको टाइम पे बुलाना, उनको जिस दिन उनकी शूट हो वो बुलाना उनको। दूसरे असिस्टेंट का उसका काम होगा कि उनको डायलॉग्स देना, उनको समझाना, ये कहाँ ड्रेसेस के बारे में और डायलॉग्स के बारे में सब बताना, कंटिन्यूटी देखना, वो सब करना होता है। थर्ड असिस्टेंट जो होता है वो डायरेक्ट कैमरामैन के साथ या तो डायरेक्टर के साथ जुड़ा होता है। तो वो जब शॉट होता है तो वो उसको सेट पे रहना पड़ता है, और सेट पे रह के वो जिस तरीके से डायरेक्टर या तो असिस्टेंट डायरेक्टर या तो फिर कैमरामैन जो भी एडवाइस देते हैं वो हिसाब से करना पड़ता है, और वो शॉट की कंटिन्यूटी लिखते। कंटिन्यूटी अभी तो फास्ट हो गया, पहले तो बुक में लिखना पड़ता था, वो कंटिन्यूटी लिखनी पड़ती है। कंटिन्यूटी उनको ख्याल रहती है, और उन्हें ये भी ध्यान रहना पड़ता है कि अगले शॉट में ये शॉट, अगर ये शर्ट या तो जो भी ड्रेसेस है वो कंटिन्यू है तो क्या था,
अगर दूसरे दिन ये शॉट कंटिन्यू होता है तो आर्टिस्टों को बोलना भी होता है उन्हें कि यही शॉट कल है, तो आप यही शर्ट या जो भी ड्रेसेस है वो कल यही पहन के आइएगा। तो असिस्टेंट का काम बहुत होता है, लेकिन उससे ये हो जाता है कि असिस्टेंट की आपकी इनकम भी हो जाएगी और आप जुड़े रहोगे फिल्मों के साथ में, एक्टिंग के साथ में। तो दोस्तों, सपने को शहर में जो अगर जीना है या अगर अपने आप को कुछ बनाना है, या तो सर्वाइवल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सर्वाइवल होना चाहिए। जब सर्वाइवल हो जाओगे तो ही आप कुछ करके दिखाओगे। तो दोस्तों, ये जरूरी है कि आपको कुछ बाहर काम करना ही पड़े, जिससे आपको सर्वाइवल हो जाए, आपका खर्चा निकले, आपको खाने का खर्चा निकले, आप जहां पे रहते हो वहां का भाड़े का खर्चा निकले, वो सब निकले, तो वो ध्यान से रखना जरूरी है। तो दोस्तों, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइएगा तो उससे क्या होगा, आप कनेक्टेड रहोगे और लाइन में भी मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे शूट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो वहां पे जाके आप ऑडिशंस दे सकते हो, आप काम भी कर सकते हो। और असिस्टेंट बनने से ये फायदा होगा कि कैमरा के पीछे क्या होता है वो आप ध्यान रखोगे, तो फिर कैमरा के आगे जब आप आओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको सब एंगल्स मालूम पड़ेंगे, सब मालूम पड़ेगा, डायरेक्टर कैसे काम करता है, लाइटिंग का कैसे होता है, ये सब आप सबको मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, आप असिस्टेंट डायरेक्शन का काम जरूर कीजिए अगर मुंबई में रहना हो, सर्वाइवल करना हो। तो दोस्तों, यही था। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था, क्योंकि मुझे 3-4 लोगों ने पूछा था कि असिस्टेंट डायरेक्टर का काम क्या होता है, अगर हम असिस्टेंट डायरेक्शन करें तो उससे हमें एक्टिंग में तो कुछ ये तो नहीं आएगा, तो कोई नहीं आएगा, उससे आपको और मदद भी होगी। असिस्टेंट बनोगे तो आपको और जानने मिलेगा, एक्टिंग के बारे में जानने मिलेगा, ऑडिशंस के बारे में जानने मिलेगा। तो दोस्तों, बन जाइए असिस्टेंट डायरेक्टर अपने काम के टाइम पे, उसके बाद जब आप शूट करना हो या तो ऑडिशन देना हो तो आप दे सकते हो। तो दोस्तों, यही आज के विषय था। तो दोस्तों, आपको पता चला होगा कि मेरी चैनल रंगीन राह में बहुत से लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वीडियोस आप लोग शेयर्स करते हो, शेयर करने से और मेरे आपके मेंबर बढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली बहुत बड़ी हो रही है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो देखिए और नए जो लोग हैं वो मेरे बेल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल है वो भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको हमेशा नए नए जो भी इंटीमेशन होंगे वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।